हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। जैसा कि जानते हैं कि ऑफिस 365 एक्सेल में मैंने आपको काम करना सिखाया था कि कैसे रैंड एरे फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहां पर रैंड एरे फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे और वो मेथड आजमाएंगे जो कि आपने ऑफिस एक्सेल 365 में आजमाया था, तो दिक्कत होगी। यहां पर मैं करके भी दिखा देता हूं। यहां पर लिखा मैंने रैंड एरे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी रैंड एरे लिखना है, लिखते ही होंगे, ठीक है। यहां पर मैं देखिए, अब ये रैंड एरे फॉर्मूला लगा दिया है हमने। रैंड एरे का सिंटेक्स हमें पता करना है कि रैंड एरे का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो रैंड एरे के सिंटेक्स में पहले रो नंबर होता है, फिर कॉलम नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां पर रैंड एरे, केवल रैंड एरे लिखता हूं, ठीक है। ये देखिए लिखा रैंड और फिर एरे, ये रैंड एरे नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक रैंडमली नंबर जो कि डेसिमल नंबर है जनरेट हो गया है। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो और भी बहुत सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, और इसको अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाता हूं तो लेफ्ट साइड में भी नंबर जनरेट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड लेके जाऊंगा तो राइट साइड में भी नंबर जनरेट होंगे, तो ये अलग अलग नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सेल में क्या था कि हम रो नंबर और कॉलम नंबर देते थे। चलिए एक बार वो भी ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है, उस हिसाब से क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक्सेल 365 जो वर्जन है उसमें हम करते थे, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो यहां से इसको डिलीट करता हूं, यहां पर आते हैं और यहां पर लिखते हैं आर ए एन डी रैंड एरे, ठीक है। तो ए डबल आर ए वाई, तो ये लगा दिया रैंड एरे। और रैंड एरे लगाने के बाद पहले हमें रो नंबर देना है, फिर हमें देना है कॉलम नंबर, ठीक है। फिर हमें देना है मिनिमम, जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम हम देते थे वहां पर भी, तो ये मैक्सिमम दे दिया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो दिक्कत होती है। अब यहां पर दो बार कॉमा लग गया है, एक ही बार रहेगा, एक कॉमा को हटा देता हूं। अब ये सही है, लेकिन दिक्कत है यहां पर एन एरर आएगा, नॉट एप्लीकेबल की एरर आएगी, ठीक है। यहां पर सिंटेक्स क्या है इसका, एक्चुअल में सिंटेक्स ये है कि यहां पर आपको रैंड एरे फॉर्मूला लगाना है और रैंड एरे फॉर्मूला लगाने के बाद आपको रो नंबर देना है। तो रो नंबर दो दे देते हैं, दो रोज में रैंडमली नंबर जनरेट होकर आ जाए, ठीक है। कॉलम नंबर कितना दे देते हैं, कॉलम नंबर 8 दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देखेंगे ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और इसको यहां से स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको और भी कॉलम्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूं, तो ये देखिए यहां पर और भी कॉलम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये रैंड एरे फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। मैं एक बार और फिर इसको लगा के दिखाता हूं। यहां पर मैं टाइप करता हूं रैंड एरे, रैंड एरे फॉर्मूला ही हमें लगाना है, तो ये लगा दिया रैंड एरे। और इस बार मैं बात करता हूं तीन रोज की और दो कॉलम्स की, ठीक है। तो देखिए तीन रोज यानी कि ये 7 में 8 में और 9 में ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर्स फिल हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर 7 में 8 में और 9 में, यहां पर इसे आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर दीजिए। यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये पहला है 7, यहां पे देखिए दूसरा है 8, तो इसको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूं यहां से। ये देखिए ये 8 है और ये 9 है, तो तीनों में अलग अलग नंबर्स रैंडमली नंबर जनरेट हुए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तीनों ही में जनरेट हुआ है। कॉलम कितना है, कॉलम दो ही है, ये पहला कॉलम है, ठीक है, और यहां पर इसको एक डिफरेंट कलर देता हूं, और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, ये दूसरा कॉलम है, तो देख सकते हैं आप यहां पर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं यहां से, तो ये व्हाइट कलर कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये नंबर इस तरीके से जनरेट हो जा रहा है। आई होप कि बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।